केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के निर्देश पर सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की पंचायत उटपुर में राष्ट्रीयकृत बैंक पंजाब नेशनल बैंक की शाखा जल्द खुल जाएगी, जिसका सर्वे काम पूरा हो चुका है। इसके साथ साथ सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 3 पंचायतों में एटीएम की सुविधा भी लोगों को जल्द मिलने वाली है। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने रविवार को ग्राम पंचायत उटपुर में आयोजित एक जनसभा के दौरान कही। पूर्व मुख्यमंत्री कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। इससे पहले कार्यक्रम में पहुंचने पर उनका स्थानीय लोग, पंचायत प्रतिनिधियों, भाजपा मंडल पदाधिकारियों के साथ साथ युवा वर्ग ने ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों के साथ भव्य स्वागत किया। अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता सुख भोगने वाली पार्टी नहीं है। ये पार्टी लोगों के काम आ सके, मूलभूत सुविधाओं की कमी को पूरा कर सके, ग्रामीण इलाकों का विकास हो सके, तमाम कार्यों को करवाने का विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की जयराम सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाकर लोगों के उत्थान में लगातार काम कर रही है। आज क्षेत्र में जो सड़कों का जाल बिछा है, दुर्गम से दुर्गम स्थानों पर सड़कों की सुविधा जो मिली है, ये पूर्व भाजपा सरकारों की ही देन है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूरे देश को एक समान समझते हुए काम किया जा रहा है। बात सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ लोगों तक पहुंचाने की हो या सरहद पर देश की रक्षा और सुरक्षा में लगे वीर जवानों की हो, घरों में कार्य करने वाली महिलाओं के सशक्तिकरण की हो, खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने की बात हो या फिर युवा वर्ग के उत्थान की बात हो, हर काम को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बखूबी निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश के लोगों को अब तक 65 करोड़ लोगों को कोविड-19 का वैक्सीनेशन दी जा चुकी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के लोगों का ख्याल रखते हुए पूरे देश में करीब 35,000 करोड़ रुपए खर्च के निःशुल्क ये वैक्सीन उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने देश के लोगों का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एक दिन में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन डोज लगाकर जहां इस कार्य को सफल बनाने में लगे लोगों का भरपूर योगदान है, तो वहीं देश की जनता ने भी इस अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, जिसके लिए लोग बधाई के पात्र हैं। विश्व की बड़ी ताकतें जो होती है, उन्हें गुलाम बनाना होता है, वो यही कहते हैं कि तुम तो कुछ भी नहीं थे, तुम्हारे पूर्वज तो निकम्मे थे, नलायक थे, अंधविश्वासी थे, कट्टरपंथी थे, और हम वही मान लेते हैं। हम साधारण लोग ही नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग। पंडित नेहरू ने लिखा एक बार कि मैं तो आई एम हिंदू बाई एक्सीडेंट, तो दुर्घटना है कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन जब अंतिम समय आया तो अपनी वसीयत क्या लिखी कि जब मेरा देहांत हो जाए तो संस्कार के बाद मेरी अस्थियों को संगम में बहा देना, गंगा में बहा देना। फिर डर गया मैं, सैकुलर था, मुझे क्यों कहना पड़ा। तो आप, मैं इस करके नहीं कह रहा हूँ कि धार्मिक जरूरत है, मैं इस करके कह रहा हूँ कि गंगा से मेरा धर्म जन से प्यार है। अर्थात हमारे नेता जो पहले प्रधानमंत्री बने, वो भी हिम्मत रही थी कि मैं हिंदू हूँ, मेरा देश है, मेरे इतिहास है। वो गंगा को तो मान रहे थे, लेकिन अपने उस गंगा को स्वीकार करने में शर्म आ रही थी, डर रहे थे कि लोग क्या कहेंगे। और आज हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो गंगा को मानता भी है, बल्कि ये कहता है कि मैं वाराणसी आया हूँ तो गंगा मैया ने बुलाया, इसलिए वाराणसी का हो गया। गंगा का शुद्धिकरण हो रहा है, गंगा का जल निर्मल हो रहा है। भारतीय संस्कृति में अपनी स्वाभिमान महसूस करो, हम हिंदुओं तो गर्व से करो। देखो विश्वकर्मा, विश्वकर्मा क्या है? इस संसार के रचयिता को अपने विश्वकर्मा बोलते हैं। कला के 17 सितंबर को उनका जन्मदिन आता है। हम पहले मजदूरों के लिए मे डे मनाते थे, चीन का था ना 1 मई का दिन। हमने अपनी सरकार में कहा विश्वकर्मा डे मनाएंगे, भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से मनाएंगे। और मदन जी, जो आपको आईटीआई की बात कही, हमने अपने टाइम में लगातार कहा यदि व्यक्ति प्रशिक्षित होगा, ट्रेंड होगा, तो उसको रोजगार अपने आप मिल जाएगा।
प्रधानमंत्री कह रहे थे ना कि अगर बिजली चली जाए अचानक और इलेक्ट्रिशियन नहीं मिले आपको फिर दिक्कत होती है, रात का अंधेरा, दिन में गर्मी या सर्दी में हीटर चाहिए, गर्मी में पंखा चाहिए, रोशनी चाहिए। इलेक्ट्रिशियन अगर गांव में होगा तो पैसे लेके भी काम करेगा तो तुरंत बुलाएंगे आप उसे। तो बच्चे को कैसी शिक्षा दो जिससे उसकी डिमांड हो और नौकरी के लिए लाइन में ना लगा हो, नौकरी देने वाला लाइन में लगाओ आगे कि इसको बच्चे को मिल चाहिए नहीं। जब नैनो कार टाटा वाले बनाने लगे तो उनको ITI ट्रेंड बच्चे चाहिए थे। आपको पता नहीं होगा कि सारे हिंदुस्तान में उन्हें मिले। एक गौरव हमारी सरकार को था, हमें था कि पॉलिटेक्निक कॉलेज शाहपुर में 300 बच्चा ट्रेंड था मैकेनिक का, 300 का 300 इकट्ठा लेके चले गए होंगे। इसलिए उत्पुर में भी कहा, ठीक कहा कि अभी तो दो ट्रेड हैं, बिल्डिंग नहीं बनी, आपका भवन निर्माण होगा, जितने ट्रेड तुम चाहोगे बच्चों के लिए उतने ट्रेड यहाँ खोलेंगे, हर तरह का ट्रेड। सड़कों पर जाल क्यों बिछा, जैसे विक्रम जी चंडीगढ़ में पढ़ाते थे, मैं पंजाब में पढ़ाता था। 1983 में डॉक्टर लक्ष्मी राम जी हमारे विधायक थे, भीम सिंह राणा जी ने गुप्पर में एक PHC बना के दी, भवन उन्होंने डोनेट किया और PHC वहाँ खुली। तो PHC का उद्घाटन करने के लिए विजेंद्र सिंह उसमें हेल्थ मिनिस्टर थे, कांग्रेस की सरकार थी, वो आए। मैं भी कॉलेज से छुट्टी में आया हुआ था, मैं भी आ गया। कक्कड़ से थोड़ा पलवू से आगे जाके ऊपर को जाना था तो